स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग थल शो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम हैं फिलहाल अपने सीक्रेट प्लेस में और काफी पुराने पुराने सामान थे मैंने आज निकाल के, मेरा यादें पुराने यादें ताजा हो गए। आज मैं काफी पुराने पुराने पेंस निकाला हूँ मेरा और काफी पुराने पुराने सामान निकाला हूँ मैं और बचपन की यादें ताजा हो गए। पुराने पुराने पेंस निकाला हूँ, अफसोस है कि दिल में अभी भी काफी सारा पेंस था, बहुत महंगा महंगा काफी सारा पेंस था। पेरिकार्डिन का मेरा बहुत बड़ा कलेक्शन था लेकिन दो तीन बार मेरा बॉक्स ही चोरी हो गया स्कूल में, तो उस वजह से कलेक्शन अधूरा रह गया। लेकिन जितना मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, 5-6-7-8 पेन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसके अंदर थोड़ा देखता हूँ, अगर और पेंस या कुछ रहा तो आपको दिखाऊंगा, उधर बाद में आपसे मिलता हूँ। कल ये मिला है, ये बचपन में शायद हम लोग को मिला था स्कूल में कि बनाने प्रोजेक्ट में भी, तो इसमें एक बॉल रहता था, वो बॉल पता नहीं कहाँ है। हाँ है, लेकिन ये देख सकते हो उछल रहा है। तो और भी देखते हैं, कुछ मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, मतलब हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही दिखाएंगे। ये कुछ टूटा फूटा ट्रांसफार्मर है, बहुत सारा बचपन का गिफ्ट था लेकिन ये कुछ मिला भी। ये भी शायद कुछ आर्ट वाट में मिला था बचपन में स्कूल के तरफ से प्रोजेक्ट करने के लिए। ये कुछ टूटा फूटा क्रैश हेलीकॉप्टर, ठीक है रख देते हैं और इसके अंदर और नहीं जा सकते हम, बहुत गर्मी लग रहा है, ऊपर कबाड़ हो रखा है पूरा अंदर, तो थोड़ा देर बाद में आपसे मिलता हूँ। तो जितने भी सरवाइव करके बचे कुचे पेन पड़े हुए हैं, बाकी सब तो चोरी हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, पेन कहीं नहीं मिल रहा है। जितना मेरे को मिला मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पार्कर का एक वाला, ये वाला कुछ पार्कर का पेन है और ये वाला शायद, हाँ ये वाला फाउंटेन पेन है और ये ट्राइमैक्स का पेन है और ये सब पेरिकार्डिन का पेन है कुछ, और ये कुछ सेलो का पेन है। ये दो पेन मेरा फेवरेट था, ये दो पेन सबसे हैवी भी था। और भी कुछ है, वो छोटा मोटा पेन सब है और भी लकड़ी वकड़ी का कुछ पेन है। बहुत अच्छा अच्छा पेन का कलेक्शन था, लेकिन सबका रहता है जानते हो, स्कूल लाइफ में सबको मन रहता है कि एक पेन का कलेक्शन करेंगे और सब चोरी हो गया, पता नहीं यार, बैड लक साथ में रहता है हर समय। आज व्लॉग स्टार्ट किया, आज दिखाने का ट्राई किया लेकिन आज पेन ही नहीं है, जितना है उतना दिखाया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके भी पुराने पुराने यादें ताजा हो गए होंगे। कमेंट करो। पुराने क्रेयॉन्स मिले, मतलब ऑयल पेस्टल कलर्स, इसको भी रख देंगे, अगर प्रोबेबली बाद में काम में आ सकता है। पर ये वाला मेरा पुराना डायरी कुछ मिला, फिर सही है लगता है, 90s का डायरी है। हाँ, अब हम देखेंगे बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2, कंटिन्यू करेंगे टीवी में, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को। वैसे आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वैसे वेदर का कोई भरोसा नहीं, अभी धूप था अभी पूरा छाव छाव हो गया एज एक्सपेक्टेड। हर दिन बारिश यार अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार धूप भी अच्छा रहता है। अभी मैं नहा लिया हूँ तो खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हर जगह बारिश हो रहा है लेकिन ये क्या है, यहाँ से कुछ निकलेगा क्या अभी? अभी बैक टू द फ्यूचर देख के लग रहा है कि यहाँ से कुछ टाइम ट्रेवल होकर लिटरली कुछ आने वाला है, वर्मोल वर्मोल खुलने वाला है। गंदा वाला बारिश हो रहा है, मस्त लग रहा है यार, सही में फ्रेम करके रखना चाहिए। इट्स रेनिंग सो हार्ड आउटसाइड, लेट मी जस्ट शो यू, और बहुत जोर से बिजली भी कड़क रहा है। गंदा वाला बारिश, didn't expected, देखते हैं कितना देर जाता है। आज थोड़ा काम भी था तो जाना था भैया के घर, मैथ्स में थोड़ा डाउट था लेकिन पता नहीं प्रोबेबली जा पाएंगे क्यों, माई गॉड। प्रोबेबली आज का जो कंटेंट है वो मैं कुछ और सोच के रखा था लेकिन आज दिमाग में थोड़ा आ गया कि मेरे को पेन दिखा तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये कंटेंट रहने देते हैं, ये कंटेंट बाद में बनाते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा रखते हैं। तो फिर पेन वाला कंटेंट, ये वाला जो वीडियो देख रहे हो, अब जो कंटेंट मैं झुला के रखा हूँ वो कंटेंट आएगा जल्दी, जस्ट वेट करो आप। आपका भी पुराने यादें ताज़ा हो गए होंगे, जिन जिन के यादें ताज़ा हुए हैं वो कमेंट करो जितना हो सके, और कमेंट पढ़ना बहुत मस्त लगता है हमको। कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर ए साईफाई मूवी फैन बॉय, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, बैक टू द फ्यूचर मूवी जरूर जाके देखो। अगर आपने डार्क देख लिया है, एक मिनट भाई साउंड कर, तो अगर आपने डार्क देख लिया है
तो ये मूवी काइंडली फ्लैशबैक कर देगा आपका डार्क, लेकिन मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन टाइम ट्रेवल मूवी भाई भाई, तो समझ लो अब क्या बोलना चाह रहा हूँ। और काफी मजा आया मेरे को देख के, क्योंकि मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था कि एक अच्छा टाइम ट्रेवल मूवी मिले, और ये इतना पुराना मूवी होके इतना अच्छा कंसेप्ट यूज किया है, बहुत अच्छा है मूवी। आसमान देखो गाइस, आसमान, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल मैन, मतलब दिन बन गया आसमान देख के। Now it's 6:34 and the sky looks so beautiful after so long day. So, अभी मैं इसको शूट करने वाला हूँ, काफी मजा आएगा, तो जाइए enjoy कीजिए इस चुटकी के साथ। आशा करता हूँ आपको टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा, काफी दिनों बाद हमने टाइम लैप्स बनाया है और सही लग रहा है। साथ खराब हो जा रहा है दो दो मार्क्स के साथ, भाई साहब एक मार्क्स पहना नहीं जाता, यहाँ पे हम दो दो मार्क्स पहन रहे हैं, कोई बात नहीं, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमें